हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रू ट्रेडर HR। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने एनालिसिस किया। ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये लेवल्स है जहाँ से मार्केट में वर्क होगा, और आप देख सकते हो मार्केट में यहीं से सेलिंग आया। और ये सेलिंग आने का रीज़न भी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, क्योंकि मार्केट में जो असल पड़े हैं वो नीचे है और मार्केट में सेलर इम्पैक्ट है, तो इसलिए मार्केट में डाउन साइड जा सकती है, और ये जो स्पॉट है यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ऐसा मैंने आपको बोला था। और वहाँ पर मैंने मार्क भी किया था, ये इस तरह से मार्केट में हमने लेवल्स मार्क किए क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले गई थी। और अब क्या हो रहा है कि जो सेलर्स है वो इन जो बायर्स का जो असल है वो हंट करने के लिए नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए मार्केट में यहाँ से सेलिंग हो रही है। तो ये आप देख सकते हो, जो हमने लेवल्स बोले थे वही लेवल से मार्केट में सेलिंग आई, और हमने भी इसमें ट्रेड बनाया सेलिंग में। और वो ट्रेड किस तरह बनाया, क्या क्या कन्फर्मेशन थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 5 मिनट का चार्ट लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर ही हम अपनी ट्रेड को बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ड्राइंग की थी, अगर मार्केट में यहाँ सेलिंग होती तो किस तरह से मार्केट यहाँ से जाती, तो वो मैंने आपको बताया था मार्केट में कि सेलिंग का व्यू है हमारा। और मैंने ये भी बताया था कि मार्केट में आप होल्ड कर सकते हो सेल को। और इसमें हमने फर्स्ट ट्रेड कहाँ बनाया था उसका भी हम रीज़न आपको बताएंगे। तो मैंने क्या किया, कल का जो डाउन था वो और आज का हाई है, वहाँ से हमने एक फीवो लिया था सबसे पहले, तो फीवो को हमने मार्क किया यहाँ पे, और उसके बाद हमने यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाला। ये हमारा रेजिस्टेंस था, हमने यहाँ से इसको निकाला, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हुआ, और यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन भी आया हुआ था। तो यहाँ से हमारी दो कन्फर्मेशन थी कि यहाँ पे पुट साइड हम जा सकते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट साइड ट्रेड लिया और हमने इसको होल्ड किया। जो ये हमारा स्पॉट है यहाँ तक हमने इसको होल्ड किया, ये हमारा एसएल इसके ऊपर था, जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हमारा एसएल था, और ये ट्रेड हमारा हिट हुआ क्योंकि ये हमारे मतलब जो स्पॉट है उस पर आया, वहाँ से फिर ऊपर गया। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो था हमारा, वहाँ से हमारी एक और ट्रेड बनती थी पर हमने वहाँ नहीं लिया, हमने ट्रेंड लाइन के और नीचे आने का वेट किया, और यहाँ से फीवो यूज़ किया। आप फीवो यूज़ करोगे तो पता चलेगा कि 0.5 का लेवल है यहाँ पे, तो मार्केट में यहाँ से सेलिंग हुई। ये 0.5 का लेवल है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग हुई, तो यहाँ से हमने पुट साइड एक और ट्रेड बनाया, और उसके बाद हमने इसको यहाँ तक अपने स्पॉट तक होल्ड लिया दोबारा, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो हमने यहाँ से इसको एग्जिट कर दिया ट्रेड को। तो ये हमारा सेकंड ट्रेड था पुट साइड, ये हमारे निफ्टी के चार्ट में, तो ये हमारी सेकंड ट्रेड थी। और अब आप देख सकते हो मार्केट में क्या हो रहा है कि यहाँ से बायर आ रहे हैं, पर जो कह सकते हैं कि ये असली बायर्स नहीं है। अगर मार्केट में बायर्स आते तो अब तक तो मार्केट ऊपर जाने चली जाती है। अब मार्केट क्या कर सकता है, जैसे ही मार्केट में सेलिंग आया तो यहाँ से मार्केट में ये आप देख सकते हो, ये स्पॉट पे मार्केट है। अगर ऊपर जाना हो तो मार्केट यहीं से गैप अप होगा, वरना मार्केट क्या करेगा, आज जैसे यहाँ तक मतलब गैप अप हो सकता है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है मार्केट में, वरना मार्केट दोबारा कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा। जो नीचे स्पोर्ट पड़ा हुआ है वहाँ तक मार्केट आ सकता है, मतलब वहाँ तक मार्केट में सेलिंग हो सकती है। ये पुट साइड हम जा सकते हैं यहाँ पे, अभी जो नेक्स्ट लेवल पड़ा हुआ है वहाँ तक हम जा सकते हैं, जो ये हमारा स्पोर्ट है यहाँ तक हम जा सकते हैं सेलिंग के अंदर, तो ये हमारा सेलिंग लेवल होगा, मतलब यहाँ से बाहर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे किस तरह से हमने एनालिसिस की। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने बोला था कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आएगी तो जो नेक्स्ट लेवल है वहाँ तक जा सकती है। अगर आपने वो स्पॉट मार्क किया होगा तो आपको पता होगा कहाँ पे कहाँ तक हमारा टारगेट था, तो ये जो स्पॉट है यहाँ तक हमारा टारगेट था, और मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आई हुई है तो चांस है कि मार्केट और भी ज़्यादा डाउन साइड आ सकती है। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हमने सेलिंग की, तो मैं ये ड्रॉइंग इसको रिमूव करता हूँ, क्योंकि मार्केट में आज क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के नीचे आया तो हमने यहाँ से सेलिंग में ट्रेड बनाया, मतलब यहाँ से हमने पुट में ट्रेड बनाया। और कहाँ पे बनाया ये इसका हम लॉजिक आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं ड्रॉइंग्स को रिमूव करता हूँ, जो हमारी ऊपर है ड्रॉइंग्स, इसको रिमूव करते हैं। तो उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट में ये जो सेलिंग आई है क्यों आई और किस लेवल से आई, ये हमारे कल के लेवल है। और मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि मार्केट में अगर मार्केट यहाँ तक रहा, इस लेवल पे आया, तो मार्केट में यहाँ सेलिंग होगा। जाके आप कल वाला वीडियो देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो मॉर्निंग में ट्रेड हमारे रेजिस्टेंस पे था, वहाँ जैसे ही मार्केट ने टच किया और वो लिया, मतलब ट्रेंड लाइन का हमने एक्सपो रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको, वो लिया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मार्केट में था यहाँ पे, तब हमने यहाँ पे पुट साइड एक ट्रेड बनाया था। ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, इस पे हमने पुट साइड ट्रेड बनाया और यहाँ तक अपना टारगेट रखा, जो ये हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ तक अपना टारगेट को रखा हमने। और ये जो
एसएल को रखा, और जो ये हमारा स्पॉट है यहाँ तक हमने अपने टारगेट को रखा। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे विन हुआ, मतलब ये हमारा पुट साइड का फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे विन हुआ। उसके बाद सेकंड ट्रेड हमने, जैसे ये हमारा जो स्पॉट है इसको रिटेस्ट किया, तो हमने यहाँ पे पुट साइड एक और ट्रेड बनाया। ये ऑलमोस्ट हमारा एसएल हिट ही है, मतलब हिट हो गया था, पर हमने इसको एग्जिट नहीं किया क्योंकि हमारा कुछ पॉइंट बचे हुए थे यहाँ पे। तो ये जैसे ही हमारे टारगेट पे आया, हमने यहाँ से भी मार्केट में एग्जिट कर दिया। इस तरह से हमारी यहाँ पे दो ट्रेड हुई, पर इसमें हमने एक और ट्रेड ली थी कॉल साइड, क्योंकि मार्केट ने हमारे स्पॉट को रिटेस्ट किया था। और जब मार्केट ने हमारे स्पॉट को रिटेस्ट किया, तो हमने यहाँ से कॉल साइड एक रैंडम ट्रेड ले ली। ये कोई सेटअप नहीं था क्योंकि सेलिंग मार्केट है, और ये भी हमारा टारगेट यहाँ से हिट हुआ। इस ट्रेड में भी हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। तो इस तरह से हमारे लेवल्स यहाँ पे काम करते हैं। अगर आपके लेवल्स परफेक्ट होंगे तभी आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे, तभी आपको कन्फर्मेशन मिलेगी। अब मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ से बुलिश हो सकती है, वरना मार्केट में क्या होगा, थोड़ा मार्केट गैप अप दे के मार्केट दोबारा फिर सेलिंग में जा सकती है। यहाँ से इस तरह से मार्केट सेलिंग में जाएगी, या फिर मार्केट में गैप डाउन हुआ तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। जो स्पॉट है यहाँ से ऊपर जाने के चांस मार्केट में हो सकते हैं कल के दिन। बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कहाँ पे नेक्स्ट हमारा स्पॉट है। तो नेक्स्ट स्पॉट हमारा नीचे है, यहाँ तक भी मार्केट आ सकते हैं क्योंकि मार्केट में आखिरी बायर्स जो बचा हुआ वो यहीं पे बचा हुआ है। तो मार्केट में यहाँ से भी बायर्स आ सकते हैं और एक्टिव हो सकते हैं, तो यहाँ से बुलिशनेस हो सकती है मार्केट के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो मेरी टेलीग्राम है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो, ये जो आज का जो वीडियो का लेवल है वो मैंने इस पर सेंड किया था, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मार्केट में सेलिंग व्यू है हमारा।